हेलो क्लास ट्वेल्थ, आज आपकी जो न्यू हेडिंग आने वाली है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब स्थिर वैद्युत विभव। क्या होता है स्थिर वैद्युत विभव, आइए समझते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, बाय द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट द पॉइंट इन द फील्ड। मतलब अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर होगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है, बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी। अगर हम उसका पोटेंशियल फाइंड कर दें, अगर हमें उसके पोटेंशियल के बारे में मालूम होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और कैसी होती है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, इस चीज़ के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। इफ देयर इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन दिस फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स कैपिटल एफ ड्यू टू प्लस क्यू। अगर हमने एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू टेस्ट चार्ज रखा और एक उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव रखा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपको मालूम है कि लाइक के जब चार्ज होते हैं तो उनके बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। अगर लाइक चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स और अनलाइक चार्ज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें एक फोर्स वर्क करेगा जो फोर्स होगा रिपल्सिव। तो सपोज प्लस क्यू इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है और प्लस क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सपोज प्लस क्यू इज अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू विच देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, इसके चारों तरफ जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन दिस फील्ड, जैसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस फील्ड में लाते हैं तो एक फोर्स लगने लगता है जिसका फोर्स नाम है इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स एफ ड्यू टू प्लस क्यू। तो इससे डेफिनेशन क्या निकल के आती है, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नीट्यूड द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दोस पॉइंट। क्या है कि यहाँ पर अगर हमने ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण आएगा, प्लस क्यू के कारण। बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो किसके कारण आएगा, प्लस क्यू नॉट के कारण। तो इसका अगर पोटेंशियल अगर हम वी ए लिख लें, इसका अगर पोटेंशियल अगर हम वी ए लिख लें और इसका पोटेंशियल अगर हम वी वी लिख लें तो इनके डिफरेंस को, इनका जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि वी इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट और दो पॉइंटों पर चेक हो रहा है तो इसे लिखेंगे वी ए माइनस के वी वी इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। तो इसे बोलते हैं बेटा स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये होता है, ठीक है। Q नॉट, जो Q नॉट होती है यानी जो Q होता है यानी चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए पोटेंशियल भी कैसी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अब एक चार्जेस को दूसरे चार्जेस के पास लाने में हमें कोई वर्क डन करना पड़ता है इसलिए W आता है। V इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि बेटा V इज इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q, ठीक है। W क्या होता है, वर्क डन, और Q क्या होता है, चार्ज। जब किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो एक वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन ही किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। W भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। W बेटा कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और Q नॉट भी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो W भी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी।
ठीक है। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट इज इक्वल टू W की यूनिट कितनी होती है बेटा जूल, और Q नॉट यानी चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा कूलम। तो इसको अपन टोटल क्या बोल देते हैं, इसको वोल्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा इसको वोल्ट। अगर इसकी डायमेंशन की बात आती है तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस के वन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, वी वी ए माइनस के वी बी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, मतलब वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज का जो रेशो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल होता है।